अगर समानता आती है तो समानता सबके लिए आएगी, वो चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो। और जो इतने साल से गुलाम बना के रखा है जिन्होंने महिलाओं को, क्या वो इतनी आसानी से तैयार हो जाएंगे इस लॉ के लिए? बिल्कुल नहीं तैयार होंगे। हमें लड़ना पड़ेगा किसी भी मजहब के लोगों, लेकिन हमें लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए। एक जमाने में सती भी लीगल था। आप तो अभी तैयार है सबरीमाला में, लेकिन आपकी बहनें नहीं जा सकती, प्रवेश नहीं कर सकती। देश ऊपर या धर्म ऊपर? देश हमेशा ऊपर रहेगा, लेकिन देश ही है जो धर्म की रक्षा कर सकता है और धर्म ही है जो देश की रक्षा कर सकता है। नमस्कार, मैं जी न्यूज का संविधान बोल रहा हूँ। जी न्यूज के स्पेशल शो क्या कहता है इंडिया में आप सभी मेहमानों और दर्शकों का स्वागत है। राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक के बाद बीजेपी का अगला टारगेट यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी देश में समान नागरिक संहिता है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि अब वक्त आ गया है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू हो। आपने 370 भी किया, आपने राम मंदिर भी किया, अब क्या एक न्याय व्यवस्था को लेकर आप लोग करेंगे? क्योंकि ये कहा जाता रहा है, कांग्रेस कहती है आपकी कंपनी करनी आ गया समय। 23 नवंबर 1948 को चर्चा के बाद संविधान में अनुच्छेद 44 जोड़ा गया और सरकार को निर्देश दिया गया था कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 2019 को दिए गए एक फैसले में कहा कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में कई बार कह चुका है। विषय बहस का है और मुद्दे हैं, एक देश पर इकरार तो क्यों है एक कानून पर इनकार? जब देश धर्म निरपेक्ष तो कानून धर्म के आधार पर क्यों? समान नागरिक संहिता पर एतराज करने वाले लोग कौन? अनुच्छेद 44 के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड किसकी जिम्मेदारी? यूनिफॉर्म सिविल कोड को 70 साल तक किसने लटकाए रखा? ग्रेट डिबेट शो क्या कहता है इंडिया में आज के हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, बैप्टिस्ट चर्च के फादर दिनेश दास, लेखिका सायरा शाह हलीम, सामाजिक विश्लेषक डॉक्टर मुबिन जहरा और कश्मीरी पंडित दिव्या राज। स्पेशल शो क्या कहता है इंडिया में 4 राउंड है, क्योंकि ये जनता का शो है, इसलिए पहले राउंड में मुद्दों पर जनता की राय, दूसरे राउंड में हर मेहमान को 30 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है जिसमें वो मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे, तीसरा राउंड मेहमानों की बहस का है जिसमें मेहमान अपनी राय रख सकते हैं, मुद्दों पर बहस कर सकते हैं, चौथा राउंड जनता के सवालों का है जिसमें जनता मेहमानों से सवाल कर सकती है। अगर ये कोड होगा तो हमारी जो नेशनल इंटीग्रिटी है वो बूस्ट अप हो जाएगी, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन, जो है एक यूनिटी बनी रहेगी लोगों के बीच में। एक कोड होने से काफ़ी फ़ायदा है, इससे सभी जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें एक यूनिटी हो जाती है, सबको सेम तरह के लॉज, पनिशमेंट्स भी सेम मिलती हैं। देश का कानून तो बिल्कुल एक होना चाहिए। अब ऑब्वियसली अगर किसी और के लिए अलग कानून है, मेरे लिए कुछ और कानून है, तो कोई चीज़ जैसे मैंने करी है और सेम चीज़ उसने करी है, उसे कोई नहीं पकड़ रहा, मुझे पकड़ रहा है, तो मेरे लिए वो अनफेयर होगा। सिमिलरली अगर उसे पकड़ रहा है तो उसके लिए वो अनफेयर होगा, तो ऑब्वियसली कानून तो एक होना ही चाहिए। वोट बैंक की राजनीति करती है वो, भला थोड़ा ही करती है। बेरोजगारी आज ये है, देश इतना पीछे चला गया है, यही है। मोदी हो तो वक्त पे आ गए तो देश में इज्जत बन गई हम लोगों की। नमस्कार, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान में अनुच्छेद 44 में है और जितने भी नागरिक हैं देश के, अगर संविधान में वो आस्था रखते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में आस्था रखते हैं तो ये सुधार बहुत दशक पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन सही बात है, आजकल जनता कहती है मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और इसीलिए कहीं ना कहीं पूरे देश को ये विश्वास है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी अगर कोई लागू करवाएगा तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार करवाएगी
और कोई नहीं करवाएगा। जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं उनसे पूछिए, इतनी जो बड़ी जो हमारा जो देश है उसके इतने कानून हैं, इतने क्या हैं, आप करिए, राय लीजिए, हम लोग पूरा इसका जो है सपोर्ट देंगे, सहयोग देंगे, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जब देश का विकास होता है तो ये सारे जो सिटीजन्स होते हैं, पूरी सिटीजनरी उसका जो है पालन करती है, जो लॉ बनता है, और कुछ भी जो है प्रगतिव देश के लिए जो सिटीजन जो है वो खड़ी है। इस मुद्दे को अगर, जिसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कह रहे हैं, उसमें जो सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है, क्योंकि ये लोगों के पर्सनल मैटर से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, डिवोर्स से रिलेटेड है, लॉ ऑफ सक्सेशन से रिलेटेड है, राइट टू प्रॉपर्टी जो महिलाओं को दिया नहीं जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत बड़ा हरक्यूलियन टास्क है, इसे हमें जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, इसे हमें लोगों के राय मशवरे के साथ, सबको साथ लेके, सब जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है सबका साथ सबका विकास, उसमें सबकी राय लेनी होगी, सबके व्यू पॉइंट्स लेने होंगे। कोई भी सोसाइटी जब तक महिलाओं को उनका हक नहीं देती है, वो असली मानों में, सही मानों में विकसित नहीं होती। इसलिए विमेन डेवलपमेंट इज की। थैंक यू। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी केस नहीं है, वो एक ऐसा संवैधानिक प्रक्रिया है जो हमारे देश में चलेगी, और वो सबसे पूछकर की जाएगी। जैसे कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अलग नियम है, वो शरिया को फॉलो करते हैं और कुरान हदीस को आगे लेकर वो डिसीजन देते हैं वुमेन पे। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड होता है, वो चीज़ हमारे संवैधानिक रूप में हट जाएगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश को आगे ले जाएगा। जो जेंडर डिस्पैरिटी है वो खत्म हो जाएगी और लॉन्ग रन में हमारे देश के लिए ये बहुत अच्छा होगा। समान नागरिकता कानून हमारे देश में गोवा में है और वहां पर कोई विवाद नहीं है और हम सब जानते हैं, हम सब इच्छुक रहते हैं गोवा जाने के लिए। अगर हमारे पूरे देश में अगर ये नागरिकता कानून, समान नागरिक कानून लागू हो, तो हम लोग एक समान उन्नति कर सकते हैं और एक साथ एक विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं। वैवाहिक रिश्तों में और तलाक में और एडॉप्शन में एकता होगी, समरूपता होगी। हम संविधान का कानून, एक कानून लागू करने के लिए सहमत हैं और वो स्वयं से अभी तक नहीं हो पाया। अगर ऐसा कोई कानून आता है तो हम उसका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। देखिए, मैं ये कहूंगा कि कम ही ऐसा होता है किसी चर्चा में कि बहुत सकारात्मक रूप से चर्चा आगे बढ़े, और आधी जीत तो मैं समझता हूं जी न्यूज के इस कार्यक्रम में हो ही गई है, जहां विभिन्न धर्मों के लोग हैं लेकिन सबके मुख से जो बात निकली वो कहीं ना कहीं राष्ट्र को एकजुट करने की, राष्ट्र की अखंडता की और समानता की बात निकली, और इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। पहली बात मैं ये जरूर कहूंगा कि ये कोई हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम सिख या मुस्लिम ईसाई इशू है ही नहीं। ये इशू है कि हमारे सारे नागरिकों के जो उनके सिविल राइट्स हैं उसमें बराबर का हक हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, और महिलाओं को खासकर, कुछ आप देखेंगे ऐसी कुरीतियां हैं जिनकी वजह से महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। और एक उदाहरण मैं दे दूं, सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट है कि एक शौहर जी की बीवी के साथ दुराचार करते हैं ससुर, और उसके बाद एक फतवा जारी होता है, और वो फतवा ये होता है कि अब ससुर जो है वो आपके मियां हो गए हैं और जो पहले के आपके पति थे वो आपके बेटे हो गए। तो आप, और ये सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है, आप असहमत हो जाइएगा, भैया मैं अभी सिर्फ अपनी बात रख लूं, मुझे पता है दर्द होने लगता है, और इसीलिए मैंने कहा कि ये उदाहरण मैं दे रहा हूं। और मेरा ये मानना है कोई भी नागरिक हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, जब इस तरह का एक वाक्या सर्वोच्च न्यायालय दर्ज करता है तो दर्द हर किसी को होती है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो। दूसरी बात, सभी पैनलिस्ट की तरफ से एक बात आई, उन्होंने कहा आम राय जरूर बनाई जाए, और मैं भी इससे सहमत हूं कि आम राय बनाई जानी चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी की भी सोच है, नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा है,
अमित शाह जी ने भी यही बात आगे बढ़ाई है और इसमें जो शुरुआती कदम है वो लिए जा चुके हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उससे रिपोर्ट मांगी गई और लॉ कमीशन ने पूरे देश भर में जो नागरिक हैं उनसे सुझाव मांगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसको कैसे लागू किया जाए, क्योंकि अनुच्छेद 44 ये कहता है। और आगे भी हमारा ये संकल्प है, दृढ़ संकल्प है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो तो कम से कम भारतीयों के दिल में टीस रहे और पूरा भारत एकजुट हो जाए, एक साथ हाथ करके कहे कि ये भारत के हित में है और हमारा दिल आपने जीत लिया है, इसलिए हम सरकार के साथ खड़े हैं। देखिए क्या है, कट्टरपंथी हर धर्म के होते हैं। जब ट्रिपल तलाक का अबॉलिशन हुआ था तो कुछ कट्टरपंथी जो थे मुस्लिम कौम के, वो लोग जो है विरोध किए थे जब ये पूरा अब्सॉल्व हो रहा था ट्रिपल तलाक। अभी हाल में सबरीमाला का जो वर्डिक्ट आया है वो डिफर किया गया है लार्जर बेंच के लिए। अब बता रहे हैं, अभी अगर हम लोग यहाँ पे बहस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, और ये पहली बार ऐसा हुआ है जी न्यूज में कि जितने पैनलिस्ट हैं एक तरफ से एक ही राय चाह रहे हैं, क्योंकि लार्जर इंटरेस्ट है भैया राष्ट्र का, इंडिया का। तो मैं कह रही हूं अगर हम लोग भेदभाव को मिटाना चाह रहे हैं तो जितना हमारा जो धार्मिक या सामाजिक भेदभाव है, रिजर्वेशन है, उसको अबॉलिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जो आदमी या औरत या लड़का लड़की अगर अपने टैलेंट के बल पे उसको एडमिशन मिलनी चाहिए, धर्म के नाम पे नहीं मिलनी चाहिए, रिजर्वेशन के नाम पे नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं बता रही हूं जब हम लोग कंधे से कंधा मिलकर इतना जंग लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो ये जो है बार बार सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है उस पर लोग सहमत क्यों नहीं है? ये एक ऐसा कोड है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे देश को और सेकुलर बनाता है और ये बताता है कि हमारे देश में सब समान है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म से आता हो, आपके जो रूल्स होंगे वो सबके लिए एक जैसे होंगे, आपका जो प्रक्रिया होगा, लीगल सिस्टम होगा, वो आपके लिए एक जैसा होगा। तो इसे धर्म से ना जोड़े। और जहां तक उन विषयों की बात आती है जहां पे स्त्रियों को लेकर डिस्क्रिमिनेशन देखा जा रहा है, तो ये आज का 21st सेंचुरी का भारत है जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जितनी भी कुप्रथाएं हैं, जो भी हमारी प्रथाएं हैं जो हमें डिवाइड एंड रूल करने पे मजबूर करती हैं, वो हम तोड़ें, वो लॉज तोड़ें और वो उन लॉज को हम अमेंड करें और ये भी देखें कि कोई धार्मिक हम सेंटिमेंट को हर्ट ना करें। अब जहां तक सबरीमाला का सवाल है, जो सबरीमाला मंदिर है उसका एक सेंटिमेंट है कि वहां पे स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए, तो उनका एक सेंटिमेंट के पीछे एक रीजनिंग है, एक साइंटिफिक तथ्य है। सिविल कोड कहां हुआ? अभी जो है नारियां लड़ रही हैं कि हमें भी मस्जिद में अलाउ करना चाहिए अगर उनको नमाज पढ़नी है। आप जाके इस्लामिक कंट्रीज में देख लीजिए, नारियों को परमिशन मिलती है, अलाउड होते हैं वो लोग मॉस्क जाए। जो हमारे देश तो में अभी कमी है, डबल स्टैंडर्ड हो ये डबल स्टैंडर्ड। अगर सिविल कोड है, अगर हम समान नागरिकता कानून लागू करते हैं तो मैं समझता हूं कि वो खत्म हो जाएगा और वहां पर महिलाओं का प्रवेश भी होगा, जरूर होगा। और आज की चर्चा में मैं ये तीन बिंदु जरूर रखूंगा। ये चर्चा है क्या? तो फंडामेंटल राइट्स वर्सेस राइट टू रिलीजन। दूसरी बात, देश सर्वोपरि है या धर्म ऊपर है, ये तय करना है। तीसरी बात जो हमने कश्मीर में देखा कि जान ज्यादा जरूरी है या लोग कहते हैं व्हाट्सएप नहीं चल रहा मेरा, मैं अपने दोस्त को मैसेज नहीं दे पाया। तो आपको समझना होगा कि ये बात जो आज हम कर रहे हैं, अगर समानता आती है तो समानता सबके लिए आएगी, वो चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो। और एक उदाहरण मैं और देना चाहूंगा, ये भी सर्वोच्च न्यायालय का ही जजमेंट है, क्योंकि तथ्यों पर हमें मजबूत होना चाहिए। एक महिला है, उसका एक बच्चा था, उस बच्चे को उसने कहा कि मैं जो है एडॉप्ट करना चाहती हूं और इसकी एडॉप्शन की मुझे परमिशन दे। किस धर्म से है मैं ये जानबूझ के नहीं बोल रहा, क्योंकि ऐसा लगेगा कि एक धर्म विशेष की बात हो रही है, इसलिए नहीं कह रहा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बन चुका है तो इस महिला को यह अधिकार है कि वो बच्चे को एडॉप्ट कर सके। अब कोई धर्म क्यों आड़े आए कि किसी बच्चे को उसकी मां मिल जाए और किसी मां को उसका बच्चा मिल जाए? आप मुझे बताइए, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा पालन पोषण है, यही हमारी सोच है।
मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगी। मेरा ये मानना है कि ये एक धार्मिक मुद्दा बिल्कुल नहीं है, इसे धार्मिक मुद्दा बनाया जा रहा है। जैसा कि मैंने अपनी शुरुआत में भी कहा कि ये समाज से रिलेटेड मुद्दा है, और वही समाज हेल्दी होगा जहां सबको एक इक्वल राइट मिलेगा, जिसमें महिलाओं को कभी नहीं मिलता है राइट। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आप चाहे कोई भी मजहब ले लीजिए, अगर मैं इस्लाम के बारे में इतना डिटेल में, मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं जो औरतों को राइट्स देती हैं, लेकिन क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? वो राइट्स उन महिलाओं को दिए जा रहे हैं? इकोनॉमिकली सोशली वो महिलाएँ बहुत पीछे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, उसके साथ एक पॉइंट ये जोड़ना चाहूंगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसा कि हम सब कह रहे हैं कि आम राय से बने, अगर वो आता है और डेलिब्रेशंस होते हैं, स्टेक होल्डर्स से बातें होती हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज जाएगा हमारी सोसाइटी के लिए। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि दुनिया में महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिया जाता। इसके लिए रिलीजन नहीं जिम्मेदार है, इसके लिए सोसाइटी जिम्मेदार है। बहुत स्मार्टली करोड़ों वर्ष से महिलाओं के राइट्स जो है उनका हनन हो रहा है, रिलीजन के बेस पे, सोशल नॉर्म्स के बेस पे। तो अगर कानून आएगा, अगर कोई कानून आता है और कानून बनता है, तो वो एक विमेन एम्पावरमेंट होता है, महिला सशक्तिकरण की ओर जाता है। और वो महिला कोई एक मजहब की नहीं है, वो किसी भी मजहब की हो सकती, वो हमारे समाज की हो सकती। तो इसे हमें इसे एक मजहबी मुद्दा ना बनाते हुए इसको एक सोशल डेवलपमेंट और विकास का मुद्दा मानना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। ये मेरी राय है। तो मैं कह रही हूँ, एक बहुत अच्छा चमकता हुआ एक आपके सामने एक एग्जाम्पल है, वो गोवा का। तो गोवा बड़े अच्छे तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट कर रही है, तो बाकी राष्ट्र भी जो हैं, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा हो जाता है कि कोई विरोध में होता है तो कोई सहयोग में होता है एक विषय, क्योंकि जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, मैं कह रही हूँ सबसे पहले तो राय ले लें, क्योंकि अगर ओवरनाइट किसी चीज़ को इम्पोजिशन करेंगे तो ये एक थोड़ा ये इसका डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि बहुत लोग हड़ताल होएगी, ऑपोजिशन होएगा, राय होएगी, दंगा फसाद होएगा। तो इससे अच्छा है कि भाई सबको समझा दें, जितने भी ठेकेदार हैं, कि क्यों इसमें भलाई है, क्यों ये लागू हो रहा है, क्योंकि ये हमारे संविधान में तो आर्टिकल 44 में बताया गया है कि ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड एक समय की बात थी कि कब लागू हो। अगर अभी लागू हो रहा है अच्छा है। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए सायरा जी, इस्लाम में लड़कियों को हक मिलता है कि नहीं मिलता है? कितने मर्द हैं, मुस्लिम मर्द, जो अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को और अपने खानदान की औरतों को हक देते हैं? वो तो रिलीजियस मुद्दा है। आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा कोई लॉ आता है, इम्प्लीमेंट होता है एज पर लॉ, उनको उनका हक मिलेगा? राइट टू प्रॉपर्टी कौन देता है? कोई नहीं देता है, छीन के लेना पड़ता है। एक सेकंड आपको बोलने दीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक सोशल स्ट्रक्चर के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर जो खराबियां हैं, वो सोशल स्ट्रक्चर को एक जमाने में है, उसमें बदलाव करने के लिए है। जैसे कि मैरिज एक्ट हो गया, डिवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, मेंटेनेंस एक्ट जो हो गया, ये सब जो एक्ट है ये सारे रिलीजन में है, पर वहां पे वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते ठीक से, वुमेन को अपने राइट नहीं मिल पाते। लेकिन जहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात है, वो एक ऐसा संवैधानिक फ्रीडम हमें सोसाइटी में लोगों को दिया गया है आर्टिकल 25-26 के तहत, कि हम वो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जहां तक गौरव जी ने भी ये कहा कि देश ऊपर या धर्म ऊपर, देश हमेशा ऊपर रहेगा, लेकिन देश ही है जो धर्म की रक्षा कर सकता है और धर्म ही है जो देश की रक्षा कर सकता है। तो उसको समझने के लिए हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि हम किस रिलीजियस प्रैक्टिस को कंडेम करें, किस रिलीजियस प्रैक्टिस को हम आगे ले जाएं। मेरा ये हक है कि जब मैं मरूं तो मेरा अंतिम संस्कार जलाकर हो, ना कि दफनाकर हो। क्या उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत मैं उसको जोड़ूंगी? नहीं जोड़ूंगी। ये मेरा पर्सनल जो रिलीजियस राइट है, जो मेरे साथ होना चाहिए, जहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिस गलत है, जैसे कि डिवोर्स हो गया, मैरिज हो गया, इनहेरिटेंस का एक्ट हो गया, जहाँ पे मुझे अपना राइट नहीं मिलेगा, वहां पर मेरे को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। बार बार कहा जा रहा है कि धर्म के ठेकेदारों से जरूर पूछ लेना, तो हम लोग बिल्कुल डंके की चोट पे कहते हैं, किसी धर्म के ठेकेदार से पूछने की आवश्यकता नहीं है। हम देश के जो सजग प्रहरी हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ हमारी माँ बैठी है, हमारे भाई बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, और क्यों नहीं करेंगे? मैं आपको बताऊं, धर्म के ठेकेदार से, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय का फिर से फैसला, आपको बताऊं, जब मेंटेनेंस की बात आई महिला के पास,
किस धर्म विशेष की है मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि धर्म का ये मुद्दा मैं नहीं बनाना चाहता हूं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा, उन्होंने कहा नहीं मेंटेनेंस तो नहीं मिलना चाहिए इस महिला को, क्योंकि वो अपने मायके जाए, अपने भाई से मांगे, अपने फादर से मांगे, उसको कोई मेंटेनेंस नहीं। दूसरी बात, ट्रिपल तलाक में क्या कहा, ट्रिपल तलाक में कहा कि ये जो हमारे समाज की महिला है ना, इनके पास तो इतनी बौद्धिक क्षमता ही नहीं है कि ये निर्णय ले सके, और अगर ट्रिपल तलाक खत्म किया गया तो ज्यादा मुस्लिम महिलाएं मारी जाएंगी। मैं समझता हूं धर्म के ठेकेदारों की कोई आवश्यकता नहीं है, भारत का निर्माण करेंगे तो पढ़े लिखे लोग करेंगे, वो लोग करेंगे जो देश से प्रेम करते हैं, जहां हमारी साथी है ये लोग अपना योगदान देंगी, धर्म के ठेकेदार नहीं करेंगे। आज हमको ये सोचना है क्या, जो कहा गया मेरी बहन ने बोला कि देश ऊपर है और देश को धर्म बनाता है, धर्म को देश बनाता है। धर्म आएगा कहां से अगर देश में लोग नहीं होंगे, अगर एक विचारधारा नहीं होगी, अगर हम धर्म के नाम पर लड़ते रहेंगे तो देश रहेगा कहां पर। हमें देश बनाने की आवश्यकता है, धर्म अपना आप बन जाएंगे, हमारा देश हमारा धर्म बन जाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम एक समान नागरिकता कानून को उसके आने का इंतजार करें और सहमति बनाए कि हाँ ये हमारे लिए सबके लिए बेहतर है। और सबसे बेहतर है इस कानून का आना हमारी माँ और बहनों के लिए। अगर उनका आज हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, अगर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो अगर ये कानून आता है तो सशक्त होती है, सशक्त होंगी और देश एक माला में पिरोया जाएगा जिसके लिए भारत पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। एक आदमी के पास चार विवाह करने का हक तो है, उस आदमी का इतना जिगरा होगा कि वो देख सके कि उसके घर की स्त्री के पास चार मर्द हो और वो खड़ा रहे, वो नहीं देख पाएगा। तो महिलाएं हैं ना, इनका भी जो हक है वो पुरुष के बराबर है, ये हमारा संविधान कहता है। और ये हमारी उम्मीद है, ये लड़ाई केवल नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी या सरकार या भाजपा की नहीं है, ये लड़ाई हर उस व्यक्ति की है जो आस्था रखता है संविधान में, जो चाहता है कि हर महिला को उसका सम्मान मिले, वो हक पाए और वो आगे चल के देश में सबसे बड़ी नागरिक बन सके, राष्ट्रपति के पद पे हो सके, प्रधानमंत्री बन सके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सके। ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड वो एक ऐसा कोड है जो सोशल स्ट्रक्चर हमारी कंट्री में है, उसके अंदर जो बुराइयां हैं एक महिला के प्रति या बच्चों के प्रति या किसी के भी प्रति, तो उसको तोड़ने की एक पहली प्रक्रिया है। जैसे ट्रिपल तलाक वो एक रिलीजियस एंगल नहीं था, वो एक लीगल फंडामेंटल राइट था जो मुस्लिम महिलाओं से छीना गया था, उन्हें नहीं दिया गया था और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। और अगर हम इस चीज को हिंदू सबरीमाला या इन सारी चीजों से कनेक्ट करें तो ये कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये कंपैरिजन गलत है। दूसरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है एक सेकुलर फैब्रिक को मेंटेन करता है, उसको आगे बढ़ाता है, एक सौहार्द की भावना को आगे बढ़ाता है, एक यूनिटी, एक हमारे अखंड भारत का निर्माण करने में आगे बढ़ेगा, जिससे हम अपनी स्त्रियों को देख सकेंगे कि वो फुल राइट एजुकेशन इक्वालिटी जस्टिस के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं। तो इससे हमें हटना होगा कि ये कम्युनल है, डबल स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट का या कुछ। देखिए बात आई, क्योंकि इन्होंने, मैं आज चर्चा करने आया था तो मैं देश के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आया था, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से एक धर्म विशेष का जिक्र खुद ही ले आई, क्योंकि इनसे रहा नहीं गया कि ये बात क्यों नहीं हुई आज इस चर्चा में। तो मैं एक सकारात्मक रुख दूंगा चर्चा को। नरेंद्र मोदी जी ने जब उज्ज्वला योजना में गैस के सिलेंडर दिए तो अनंतनाग से मुस्लिम महिलाएं बाहर आई बहनें, और उन्होंने कहा कि तो नरेंद्र मोदी जी बताइए, मैं चुप हो जाता हूँ। देखिए शुरुआत इससे करें कि एक महिला, मैं मुस्लिम महिला नहीं कहूंगा, एक महिला को सम्मान देना चाहिए। आप पहले बोलिए, मैं समझ रहा हूँ मोदी जी का नाम आने से दर्द हुआ, आप दर्द का इजहार करें, करिए। मैंने क्या बोला, वेलफेयर स्कीम तो गैस भी उसमें आता है भाई, गैस भी आता है उसमें, मैं कर लूं अपनी टॉयलेट गैस, मैं गैस ही बोला था। मैंने और कोई रोटियां तो नहीं बनाई थी, राजनीतिक रोटियां तो नहीं सेकी थी, नहीं सेकी थी। चलिए आपको संविधान जी मेरी रक्षा करिए, आपको जीवित रखना है, क्योंकि आपको जो है चुनाव लड़ना है। अब वक्त है जनता के सवालों का।
जनता मेहमानों से सवाल कर सकती है। मेरा नाम दीपक है और मैं मीडिया का स्टूडेंट हूं। मैं यहां पे पूछना चाहता हूं, जैसे मैम ने कहा कि कुछ भी कानून है ठेकेदारों से पूछो, सबसे पूछो, जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था किससे पूछ के निकाला गया था, कब ये जांच हुई थी? तो गलत बात और नहीं तो गलत बात तो है, आपने ये कहा ना कि पूछ के निकालना चाहिए। अब यूनिफॉर्म कोड हम क्यों पूछेंगे? गवर्नमेंट बैठी है, हमने यहाँ पे वोट दिया है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट जो डिसीजन करेगी हम वोट देंगे ना उसके लिए। खराब हुआ मतलब 30 साल से कम उम्र है 30 साल से कम उम्र है इनकी। आपने कहा पैदा नहीं हुआ इसलिए मैंने कहा, और महिला से उम्र नहीं पूछी जाती इसलिए नहीं पूछ रहा। 30 साल से कम उम्र है इनकी, ये इन्होंने कह दिया। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि 6 साल बताते हैं आप पैदा हो चाहे नहीं। 6 साल का अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आपको पता है गौरव जी, आपने इतिहास पढ़ा होगा। हाँ, मेरा नाम 6 साल का बच्चा हमारी आर्मी पे पत्थर तो मार सकता है लेकिन एक्टिविस्ट नहीं बन सकता है, ये कह रहे। चलिए पूछिए। और मैं आपको बताती हूँ, 6 साल का जो गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक जी के बच्चे थे वो अपनी सहारे मेरा नाम आते थे, मेरा नाम बरकत अली है, वो भी 6 साल के बच्चे होते थे। एक मिनट सवाल। मेरा नाम बरकत अली है और मैं सत्ता पक्ष के प्रख्यात धर्म वक्ता गौरव भाटिया जी से जानना चाहता हूँ, ये क्या भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में इमोशनल मुद्दे को उठा के हमारी जो मेन मुद्दा है जैसे बेरोजगार, बिल्कुल बेरोजगार का मुद्दा हो, किसान की कर्ज माफी की मुद्दा हो और भी बहुत सारी ऐसी मुद्दा, भुखमरी की मुद्दा हो, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रही है, क्या ये सब मुद्दा हलाला, 3 तलाक और साबरीमाला, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसी सारी मुद्दाओं को लात को मेन मुद्दा को भटकाना चाहती है। मैं भाटिया जी से जानना चाहता हूं, आपने कहा कि खाली पेट कैसे हम लोग ये सब मुद्दे जो हैं उठा पाएंगे, तो मैं इसको दो भाग में बांट देता हूं। पहला भाग ये है जो हमारा जवान सरहदों पे है ना, जिसको 10 दिन खाना नहीं मिलता अपनी जान पे खेल जाता है तिरंगे की शान के लिए, आप उससे पूछिएगा खाना चाहिए या तिरंगे के लिए लड़ते रहोगे, तो वो पहले कहेगा तिरंगे के लिए हम जान भी दे देंगे। लेकिन आपकी बात ठीक है, आपने कहा रोजगार, तो मैं आंकड़े आपको देता हूं। आपने कभी नहीं पूछा होगा कि 55 साल जिस 50 साल के अपरिपक्व बालक की पार्टी ने राज किया कितनी नौकरियां दी, आपने मुझसे पूछा, मुझे बहुत खुशी हुई। क्या आपको पता है कि हम लोग जो लोन का हमारा है 1.5 करोड़ नौकरियां, CII का सर्वे आया 1,05,347 कंपनियां 1.5 करोड़ नौकरियां हर साल दी गई पिछले 5 सालों में। उसके अलावा जो हमारी योजना है उसमें 20 करोड़ भारतीयों को, जिसमें सबसे ज्यादा युवा और महिलाएं हैं, उनको रोजगार के अवसर दिए गए। 1,35,00,000 नए EPF अकाउंट बने, क्या दर्शाते हैं कि नई नौकरियां आई। लेकिन आपकी बात मैं सही मानता हूं कि ये वो मोदी जी हैं जो दिन में 20 घंटे इसलिए काम कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा युवा ना हो जो घर वापस जाए तो उसके पेट में खाना ना हो, उसको भूख लगे, उसके पास नौकरी हो, उसके पास जीने के समान अवसर हो। और हम प्रतिबद्ध रहेंगे जब तक हमारा भाई बरकत आके ना कह दे कि हाँ हर युवा के पास नौकरी आ गई। अपना आशीर्वाद रखिएगा, वो भी दिन आएगा। और जैसा कि आपने कहा कि मैं धर्मगुरु हूं, और जो धर्मगुरु होता है वो किसी एक विशेष समुदाय का नहीं होता, तो जो मुस्लिम बहनें हैं हमारी, जो उनका फंडामेंटल राइट है कि नमाज पढ़ना जाके, इस पे आपकी क्या राय होगी? सिंपल देखिए, हम अभी जितना भी हमने डिबेट किया है हमने सिर्फ दो धर्मों को सामने रख करके किया, हमने भले ही नाम नहीं लिया, आपने सीधा सीधा पूछ लिया, बहुत अच्छा किया, मगर सिर्फ दो ही धर्मों का क्या, देश हमारा सिर्फ दो ही धर्मों पर केंद्रित होकर रह गया। हम सब इस देश के नागरिक हैं, पहले हम नागरिक हैं फिर धर्म आ जाता है। हमारा जो आपने सवाल किया, क्या मुस्लिम बहनें जाकर नमाज अदा कर सकती हैं, उनको रोका किसने है? मैं नहीं समझता किसी ने रोका है। और आप कभी जाकर के देखेंगे जामा मस्जिद पर तो एक पार्टी को वहां पर बना हुआ है, वहां पर बैठ करके वो नमाज अदा करती है। सवाल है मेरा मैम, आप बार बार बोल रही थी सबरीमाला वो अलग विषय है, वो हमारा धार्मिक है, क्या आपका ही धर्म धर्म है? दूसरे को राइट नहीं है कि अपने धर्म पे जीने का? और दूसरी बात सर,
आप बार बार बोल रहे थे कि मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगा, फिर आप इंडिकेट भी कर रहे हो, टारगेट भी कर रहे हो बार बार। देखिए धार्मिक पूजा पद्धति एक एक पर्सनल रिलीजियस सेंटिमेंट होता है और उसकी प्रक्रिया सनातन से होती आ रही है। हमें सबको अपने अंदर झांकना है, हमको देखना है कि क्या प्रॉब्लम्स है, चाहे वो किसी भी मजहब में हो, किसी भी समुदाय से रिलेटेड हो, मैं नाम नहीं लूंगी, उसको हमें चेक करना जरूरी है। अगर हमें अपने मजहब में लग रहा है कि कोई गलती है तो हमें उसे सुधारना है। तो अगर हम अपने ही चीजों को अगर गलत को सही नहीं करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम सामने वाले को कैसे सुधारेंगे, तो हमें सोचना पड़ेगा। मैं आपको एक मैं जवाब देना चाहूंगी कि देखिए धर्म में बहुत सारी चीजें गलत होती हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पूरा धर्म ही गलत है, उसकी हर चीज गलत है, हर चीज अमेंड होनी चाहिए, हर चीज में संशोधन आना चाहिए, ठीक है। तो उसमें धर्म में बहुत सारी पूजा प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत सारे रिलीजियस सेंटिमेंट और साइंटिफिक सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं और वो सनातन काल से चलते आ रहे हैं, हम उनको एकदम से खंडित नहीं कर सकते। पर कुछ सोशल स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे देश में जो कुछ रिलीजन्स में है, जो गलत हैं, जो हमारे देश की संविधान में भी वो ठीक नहीं बैठते, महिलाओं को लेकर दे आर डिस्क्रिमिनेटरी, वी हैव टू फाइट अगेंस्ट दैट, हमें मानना पड़ेगा चाहे वो कोई भी मजहब हो, जो महिलाओं को लेकर डिस्क्रिमिनेटरी है उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी। टू वन रिलीजन ओनली इट टॉक्स अबाउट, ये सब रिलीजन के बारे में बात करते हैं, सब लोगों के जस्टिस और इक्वालिटी के बारे में बात करता है। अभी जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है आप बोले इस पे काम हो रहा है, तो सरकार कोई कमेटी बना के ही कोई काम करता है? कमेटी में अगर कमेटी बना है इस कानून को लाने के लिए तो उस कमेटी में कौन कौन है, सारे पक्षों से इस पे राय विचार लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा है, सारे राजनीति पार्टी से राय विचार लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा है? मेरे भाई गौरव, आप देश का गौरव है इसलिए मैं आपको बता दूं, ये जो कमिटी आप कह रहे हैं ये कमिटी नहीं कहा मैंने, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इसके जो हेड होते हैं वो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं और ये स्वतंत्र रूप में अपना कार्य करते हैं। और दूसरी बात, इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही संविधान जी ने बताया आपको कि ये दिल्ली हाईकोर्ट में, दिल्ली के उच्च न्यायालय में मामला अब लंबित है, तो हमें न्यायालय का इतना सम्मान करना चाहिए कि फैसला आ जाए, और ये हमारा यकीन है कि जनता उस फैसले के साथ खड़ी होगी जब वो अंतिम हो जाएगा। कैसर जी ने एक बात मुझसे कही और मैं कैसर जी से जरूर एक चीज कहूंगा। कैसर जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैंने इसी डिबेट में, जिस धर्म का मैं पालन करता हूं, मैं एक हिंदू हूं, तो मैंने दो कुरीतियों पर कहा यह गलत थी, कहा ना अगर हम लोग यही काम करते रहेंगे कि आपके कपड़े में देखिए छेद कम है तुम्हारे में ज्यादा है और अपने कपड़े को और फाड़ो तो सभी नंगे हो जाएंगे, हमें ऐसा नहीं करना है। आपने बार बार मंदिर पे मुझसे सवाल किया, मैं पूछूंगा कि मस्जिदों में महिलाएं नहीं जा रही, ये अभी कहा गया, आप कितनी मस्जिदों में गए अपनी मुस्लिम बहनों को लेके कि इनको ले जाओ मस्जिदों में, इनका जगह होनी चाहिए, क्या आप कर पाए? तो इसलिए कैसर जी, इसलिए सबको सबकी कुरीतियां समाप्त करनी है, ये किसी एक धर्म की बात नहीं है। मैं कहना चाहूंगी अपनी माँ बहनों को स्कूल्स भेजिए, अपनी माँ बहनों को अच्छे जॉब्स में भेजिए, कॉलेजेस में भेजिए, यूनिवर्सिटीज में भेजिए, और मस्जिद नहीं, मस्जिद में वो जाना चाहे नहीं जाए ये उनकी अपनी मर्जी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हुई इस बहस से क्या निष्कर्ष निकला, अब मेहमान बताएंगे 30 सेकंड में। जैसा कि मैंने अपनी बहस में जो भी थोड़ा बहुत मौका मुझे मिला बोलने का उसमें जो मैंने अपनी बात रखी, मेरा ये मानना है कि हमारे कल्चरल उसमें कई प्रॉब्लम्स हैं, हमारे कल्चर में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो महिलाओं को लेकर डिस्क्रिमिनेटरी हैं, अब वो किसी एक विशेष मजहब के हो सकते हैं, किसी विशेष मजहब के नहीं हो सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना अच्छी बात है, लेकिन उसको किस तरह से बनाया जा रहा है, उसमें क्या व्यू पॉइंट्स लिए जा रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, हमें बीच बीच में काफ़ी मसला उठा कि आप महिलाओं को मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा, महिलाओं को मस्जिद में नहीं जाने दिया जा रहा, मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे ये विनती है कि अपने घर की महिलाओं को स्कूल भेजिए, यूनिवर्सिटीज़ भेजिए, कॉलेजेस भेजिए, उन्हें डॉक्टर बनाइए, उन्हें इंजीनियर बनाइए, उन्हें टीचर्स बनाइए, उन्हें नेता बनाइए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप वाकई चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए और आपके समाज की महिलाओं के साथ न्याय हो, उन्हें राइट टू प्रॉपर्टी दीजिए, उन्हें अपने फैसले खुद लेने का हक दीजिए, मेरी आप सबसे यही विनती है, हाथ जोड़ के। देखिए, सन 1948 में जब संविधान का रचना हुआ और ये कहा गया
कि हम इस बात के लिए सहमत है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, और जब से वो अब तक नहीं आया, अगर अब ये शुरुआत हो रही है तो ये सिर्फ हम सिर्फ महिलाओं को देख करके क्यों ऐसा सोचते हैं कि महिलाओं के लिए होना चाहिए। बेशक महिला सशक्तिकरण होगा, मगर समाज के उन लोगों के लिए भी देखना चाहिए, उस देश के उन लोगों के लिए तरफ भी देखना चाहिए जो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, और जो आज दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, जो अपनी बात को कह नहीं सकते और आगे बढ़ नहीं सकते। ये कानून आने पर वो अपनी बात को कह सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। हर एक का विकास होगा, हर एक मनुष्य उस अपने आप को कह सकेगा, हाँ मैं भारतीय नागरिक हूं। देखिए, इस बहुत ही बेहतरीन चर्चा का अंत सकारात्मक होना चाहिए, और इस चर्चा में एक बात जरूर आई थी कि ये हरक्यूलियन टास्क है। तो ये हरक्यूलियन टास्क पूरा कैसे होगा, तो मैं समझता हूं इन तथ्यों के आधार पे एक वादा है, एक सपना है, हमें यकीन है कि ये पूरा होगा। और किन तथ्यों के आधार पे? ट्रिपल तलाक समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त हुआ ट्रिपल तलाक। अनुच्छेद 370 72 साल तक खत्म नहीं किया गया, तो खत्म किया नरेंद्र मोदी जी ने। कहते थे राम मंदिर कैसे बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे, तो राम मंदिर का फैसला आ गया। वन रैंक वन पेंशन 35-40 साल तक फाइल इधर की उधर होती रही, लागू कर दी नरेंद्र मोदी जी ने। राफेल लड़ाकू विमान एयरफोर्स मांगती रही, 10 साल तक कमीशन तय करती रही कांग्रेस, जो आज फैसला आया है, और मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि राफेल आ जाए। और 71 के बाद 4 दशक से ज्यादा बीत गए, बालाकोट एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर घुस के ठोका। अब मेरे भाइयों, दो सपने हैं और हमें पता है कि सपने भी ये पूरे हो जाएंगे। एक ये है कि पीओके में तिरंगा लहराए, और दूसरा ये है कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। और ये तभी संभव है जब हर आदमी मोदी जी जैसी इच्छा शक्ति रखे और देश के साथ खड़े हो जाए। देश सर्वोपरि है, इस भावना से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। धन्यवाद। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम अखंड भारत के निर्माण के लिए बना रहे हैं, ये सरकार आगे बढ़ रही है। इसे हम धार्मिक पक्ष से ना देखें, इसे धर्म से दूर रखें, इसे हम ये सोचें कि हमारे जो देश में, हमारी सोसाइटी में जो सोशल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे हर धर्म के अंदर, हर जगह, हर एक कल्चर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ खामियां, कुछ कमियां रह गई हैं, उसे खत्म किया जाए, उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा सेकुलर फैब्रिक हमारे देश में बनाएगा जहाँ पे सौहार्द होगा, जहाँ पे एकता होगी, अखंडता होगी लोगों के बीच में, और लोग अपनी जस्टिस को जब डिमांड करेंगे तो वो डिलेड नहीं होगा, डिनाइड नहीं होगा, उन्हें मिलेगा, और जेंडर जस्टिस होगा। और जेंडर जस्टिस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ महिलाओं को हक मिलेगा, पुरुषों को भी उतना ही हक मिलेगा। और जितनी महिलाओं की हमने उपेक्षा की है इतने सालों से होती आई है, वो खत्म होगा, महिलाओं को अपना राइट मिलेगा। और एक बात मैं बहुत जरूर कहना चाहूंगी इस बात पे कि महिलाओं को लड़कर अपना हक मत लेने दीजिए, उन्हें स्वाधीनता से एक सम्मानित रूप से उनको अपना हक दे दीजिए, लड़ने की जरूरत ना पड़े, तब हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सक्सेसफुल रहा। देखिए, देश तभी प्रगतिव होगा कि हम लोग जो अपना जो है अंदर का जो भेदभाव हम लोग, आप देख लीजिए कुछ स्कूलों में बच्चे, छोटे बच्चे में इतना जहर ये घुल गया है कि किसी शेड्यूल कास्ट कोई रसोईया था जो खाना पकाया था, लेकिन उसने, बच्चों ने मना कर लिया कि हम खाना नहीं खाएंगे इसके हाथ का। तो बताइए, गलत बात नहीं है 21वीं सदी में कि हम फलाने ने पकाया है इसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। और हम लोग 21वीं सदी में यूसीसी ये इसकी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमें अंदर का जो जहर है और जो गंदगी है उसको मिटाना होगा। हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होगी कि हम लोग जो है आपस में भेदभाव ना रखें, तभी हम लोग जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक सपना जो है उसको हम लोग साकार कर सकेंगे। जो हमने हमारे घर में जो है जो भेदभाव की बातें होती है उसको समाप्त करें, तभी समाज में वो झलकेगा और हर क्षेत्र में वो दिखेगा कि हाँ, हमारे सोसाइटी में वाकई में कोई भेदभाव नहीं है। शुक्रिया, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, संविधान जी सांप्रदायिकता
शेर पे खत्म करना चाहूंगा अगर आप मुझे खत्म करने दें, मेरी बात हुई नहीं है, वी अलाउड यू। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि सांप्रदायिकता के विषयों से हटकर हम लोग देश की उन्नति की बात करें, वेलफेयर स्कीम्स की बात करें, नौकरियों की बात करें, जिससे आम आदमी को फायदा होगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। देखिए ये बात सच है कि आज कुछ लोगों को ये लगता है कि ये असंभव है, लेकिन असंभव को संभव बनाया जा सकता है। और इसी पे अर्ज किया है और दाद चाहूंगा, उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है कि पूरा आसमान कम है। तो ये है मेरा देश, ये है भारत। धन्यवाद, थैंक यू। आप लोगों से अपील है कि राजनीतिक सोच बनाने के दौरान आप समाज के हर पहलू के बारे में सोचें। आपकी राजनीतिक चेतना को जागृत करना Zee News का दायित्व है।